हम सब लोग सुबह से शाम बहुत मेहनत करते हैं ताकि हम पैसे कमा सकें अपने लिए और अपनों के लिए, लेकिन ट्रेजेडी क्या है, वेरी फ्यू पीपल, बहुत कम लोग हैं, चुनिंदा लोग हैं, हुआ स्मार्ट विद मनी मैनेजमेंट। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पैसे को संभाला कैसे जाए, पैसे को मैनेज कैसे किया जाए। आई विल शेयर विद यू 7 रूल्स दैट आई पर्सनली फॉलो एंड आई टीच इन माई लाइव वर्कशॉप्स टू पीपल अबाउट मनी मैनेजमेंट। मनी 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 मनी, एवरीबडी लव्स मनी, और सुबह से शाम तक पूरी दुनिया दौड़ क्यों रही है, पैसा कमाने के लिए, कुछ और, थोड़ा और पैसा कमाने के लिए। हम सब लोग सुबह से शाम बहुत मेहनत करते हैं ताकि हम पैसे कमा सकें अपने लिए और अपनों के लिए, लेकिन ट्रेजेडी क्या है, वेरी फ्यू पीपल, बहुत कम लोग हैं, चुनिंदा लोग हैं, हुआ स्मार्ट विद मनी मैनेजमेंट। और प्रॉब्लम पता कहाँ है, आपको डॉक्टर बनना है तो वो एक कॉलेज में सिखाया जाता है, इंजीनियरिंग के लिए कॉलेजेस हैं, लॉयर बनने के लिए कॉलेजेस हैं, इवन इफ यू वांट टू मैनेज फाइनेंस देयर इज अ सीए कोर्स और फाइनेंस कोर्सेस, बट व्हेन इट कम्स टू रियल लाइफ मनी मैनेजमेंट देयर इज नो सच कोर्स अवेलेबल ऑन मनी मैनेजमेंट। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पैसे को संभाला कैसे जाए, पैसे को मैनेज कैसे किया जाए। और मैं ऐसा क्लेम नहीं करूंगा, इस वीडियो को आप देख लीजिए, आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं राइट इन्वेस्टमेंट करके। नो, ये वीडियो आपको 10 मिनट में करोड़ों कमाना नहीं सिखाएगा, लेकिन ये वीडियो आपको कुछ ऐसी गलतियां करने से बचा लेगा जिसमें आप लाखों का नुकसान करवा सकते थे और शायद आपका करियर, आपका बिजनेस एक गलत दिशा में और गलत दशा में जा सकता था उन खराब निर्णयों की वजह से। सो पिछले करीब 20-30 सालों से आई हैव बीन डीलिंग विद मनी, आई हैव बीन मैनेजिंग मनी, आई हैव बीन ट्रेनिंग पीपल, आई हैव बीन वर्किंग विद पीपल। तो ये मेरे 2-3 दशकों का पैसे के साथ जो मेरा रिलेशनशिप है ना, उसकी कुछ इंसाइट्स मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। आई विल शेयर विद यू 7 रूल्स दैट आई पर्सनली फॉलो एंड I teach in my live workshops to people about money management। और जैसा कि मेरे बाकी 400 से ज्यादा YouTube videos में है, इस video में भी हम आपको कहानियां नहीं बताएंगे। We will teach you principles that are easy to implement, easy to understand, and anybody at any level in life you can use those principles। So money management का पहला principle जो मैंने समझा है, start investing as early as possible। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दीजिए। देखिए, जिंदगी में दो स्किल्स हैं जो आपको जरूर आने चाहिए, वन इज सेविंग मनी एंड सेकंड इज इन्वेस्टिंग योर सेविंग्स। और ये दोनों स्किल्स आपको आएंगे जितना आप करेंगे उतना, राइट? दीज आर ऑल डूइंग स्किल्स, सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। तो अगर ये दोनों स्किल्स आपको करने से आएंगे तो क्यों ना जल्दी करना शुरू कर दिया जाए। सो एज अर्ली एज पॉसिबल यू शुड स्टार्ट सेविंग वन पोर्शन ऑफ योर मनी। मैंने शायद सेविंग शुरू कर दिया था जब मैं स्कूल में था, तो मुझे जो भी थोड़ी बहुत पॉकेट मनी मिला करती थी उस पॉकेट मनी में से मैं सारा नहीं खर्चता था, उसमें से कुछ पैसे मैं बचा लिया करता था। अल्टीमेटली मैं खर्च देता था, लेकिन वो जो थोड़ा 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 बचा लिया करता था ना, बाद में मेरी मर्जी की खास चीज़ जो मुझे चाहिए होती थी अपने लिए वो मैं खरीद लिया करता था। तो आई स्टार्टेड सेविंग व्हेन आई वाज इन स्कूल। वेयर एवर यू आर इन लाइफ टुडे, आई विल रिकमेंड, हाईली रिकमेंड, स्टार्ट सेविंग एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग एज अर्ली एज possible. So best time to start it is now, today itself. जब आप जल्दी शुरू करते हैं ना, आपको एक और कमाल की चीज़ का एडवांटेज मिलता है, और वो लॉ इतना पावरफुल है कि उस पर एक पूरा वीडियो मैं बना सकता हूँ, लेकिन आपको बस खाली रिमाइंड करा देता हूँ, दैट इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, वेन यू स्टार्ट सेविंग अर्ली, वेन यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली, योर मनी स्टार्ट ग्रोइंग एंड धीरे धीरे अगले कुछ सालों में यू गेट पावर ऑफ कंपाउंडिंग इन योर फेवर। मनी मैनेजमेंट का दूसरा प्रिंसिपल एंड वन ऑफ माई फेवरेट प्रिंसिपल्स, और खासतौर पर उन सब के लिए जो सोशल मीडिया पर और इंटरनेट पर अपना रोज समय बिताते हैं, उनको ये बात गौर से समझनी चाहिए। ये क्या है, डोंट मेक योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेस्ड ऑन इंटरनेट एंड सोशल मीडिया हाइप। आपको जब भी इन्वेस्टमेंट करना हो तो आप कहां इन्वेस्ट करेंगे, कितने पैसे इन्वेस्ट करेंगे, इसका निर्णय गूगल पे क्या चल रहा है, क्या ट्रेंडिंग है, सोशल मीडिया पे किसकी हाइप बनाई जा रही है, इन्फ्लुएंसर्स किसके बारे में बात कर रहे हैं, इसके हिसाब से कभी मत करिएगा। हर साल कुछ ना कुछ नया होगा, कभी स्टॉक्स होंगे, कभी शायद प्रॉपर्टी बूम होगा। आप पिछले कुछ महीनों से क्रिप्टो 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 वस्त है, NFTs हैं जो पिछले कुछ महीनों से शुरू हो गई, राइट? हर 6 महीने में कुछ ना कुछ नया आता रहेगा, हर एक साल के बाद एक नई हाइप होगी, और आपको ऐसा लगेगा इंटरनेट पे सब एक ही चीज बात कर रहे हैं, मुझे भी अपना पैसा वहीं लगाना चाहिए। आई टेल यू टू थिंग्स, रिमेंबर दिस रूल नंबर 1, इन्वेस्ट वेयर यू हैव नॉलेज एंड कंट्रोल। इन्वेस्ट वेयर यू हैव नॉलेज एंड कंट्रोल, उस चीज में पैसे इन्वेस्ट करो जिसके बारे में तुम्हारे पास जानकारी है। और दूसरा रूल,
एक दो सक्सेस स्टोरीज को देख के इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कभी मत बनाना। कुछ लोग होंगे जिन्होंने प्रॉपर्टी में पैसा कमाया, कुछ लोग होंगे जिन्होंने शायद स्टॉक मार्केट में पैसे कमाए, कुछ लोग होंगे जो क्रिप्टो से बिलियनर्स बन गए, करोड़पति बन गए। बट हर एक इंडस्ट्री में, लाइफ में हर जगह आपको एक दो तीन चार सक्सेस स्टोरीज मिलेंगी। वो क्यों कामयाब हुए उसकी डेप्थ में जाओगे ना तो बहुत सारी और चीज़ें निकल कर आएंगी, राइट। सो एक दो सक्सेस स्टोरीज की वजह से, एक दो करोड़पति की वजह से डोंट मेक योर डिसीजन टू इन्वेस्ट देयर। ऐसा कभी मत सोचना कि मैं तो पीछे रह गया, पारी दुनिया तो वहां चली गई, मैं तो पीछे रह गया, सारी दुनिया तो वहां चली गई। और फिर भी अगर आपको लगता हो आपको NFTs में जाना चाहिए, आपको क्रिप्टोज में जाना चाहिए, देन डोंट इन्वेस्ट 100% ऑफ योर मनी इनटू दोस थिंग्स। आप डिसाइड करो आपको अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट फंड का 5% लगाना है, 10% लगाना है, 15% लगाना है। अगर आपको लगाना भी है तो पहली चीज याद रखो, वहां इन्वेस्ट करो जिसके बारे में तुम्हें जानकारी है। और दूसरा, अगर इन्वेस्ट करना भी है किसी रिस्की नई बड़ी इन्वेस्टमेंट में तो अपने पूरे पैसे मत लगाओ। मनी मैनेजमेंट का तीसरा प्रिंसिपल, और आज इस वीडियो में जो सात के साथ है ना, इन सातों को आप गौर से समझिएगा। इंस्टेंटली फ्रॉम दिस मंथ इटसेल्फ दे कैन चेंज योर रिलेशनशिप विद मनी एंड दे कैन चेंज योर इनकम्स एंड योर मनी स्ट्रैटेजीज, राइट। सो थर्ड है, ट्रैक वेयर यू स्पेंड योर मनी, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रैक वेयर यू स्पेंड योर मनी। आपके पास हर महीने कुछ अकाउंट में पैसे आते हैं लेकिन वो जाते कहाँ हैं ये तो पता होना चाहिए। How will you improve if you don't know what is happening in your life? Rule is very simple. वो health के लिए भी है, वो businesses के लिए भी है, वो आपके relationships के लिए भी है, everywhere this rule is there. Whatever gets monitored gets improved. जिस चीज़ को monitor किया जाता है, जिस चीज़ को आप बार बार check करते हैं वो बेहतर होने लगता है। So जो भी पैसा आप खर्च कर रहे हैं, मैं नहीं बोलूँगा हर 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, बट एवरी डे वेर एवर यू आर स्पेंडिंग योर मनी, जस्ट मेक ए स्मॉल नोट ऑफ इट, जस्ट स्मॉल नोट ऑफ इट। मेरी मम्मी एक डायरी के पीछे बैक पेज में लिखा करती थी कि आज 100 रुपये यहाँ गए, 200 रुपये यहाँ गए, 300 रुपये यहाँ गए। वेन यू हैव डेटा देन यू हैव कंट्रोल। और मेरे एक दोस्त हैं गुजरात में और बहुत कमाल की बात बोलते हैं मुझे, डायमंड मर्चेंट हैं, डायरेक्ट सेलिंग भी करते हैं। वो बोलते हैं बेटा झूठ बोल सकता है, डेटा झूठ नहीं बोलता है। बेटा झूठ बोल सकता है, डेटा झूठ नहीं बोल सकता है। तो अपना डेटा बनाना शुरू करिए कि अगर आपके पास महीने में 20,000 रुपये आ रहे हैं, 50,000, 1,00,000 रुपये आ रहे हैं तो जा कहाँ रहे हैं। ट्रैक वेयर यू स्पेंड योर मनी। मनी मैनेजमेंट का चौथा प्रिंसिपल जो आप सबको जरूर मैं बोलूंगा फॉलो करने के लिए, नेवर डू एक्सपेंसेस टू शो ऑफ। कभी शो ऑफ करने के लिए, दिखावा करने के लिए खर्चे मत करिए। कुछ एक बड़े खर्चे होते हैं, जैसे मान लो आप अपने घर को रेनोवेट कराना चाहते हैं, आप कोई फैंसी लैपटॉप खरीदना चाहते हैं, या फिर आप कोई एक महंगा 1,00,000 रुपये का, 70,000-80,000 रुपये का मोबाइल खरीदना चाहते हैं, या फिर आप शादी धूमधाम से करना चाहते हैं, यू वांट टू गो ऑन अ हनीमून और यू वांट टू डू एनीथिंग बिग, और इफ यू वांट टू बाय अ न्यू कार और एनी बिग एक्सपेंस, इन सब चीज़ों पर जो मैंने बताई ना आपको, इन सब चीज़ों पर आप उतना ही खर्च करिए जितना आप संभाल सकते हैं, जितना आप मैनेज कर सकते हैं। रिश्तेदारों को इम्प्रेस करने के लिए, पड़ोसियों को इम्प्रेस करने के लिए, क्योंकि उसकी ऐसी कार है इसीलिए मैं भी ऐसी लूंगा, क्योंकि उनके पास ऐसे मोबाइल्स हैं तो मैं भी ऐसा लूंगा, नेवर एवर गेट इनटू दैट रेस माय डियर फ्रेंड्स। और लोगों को इम्प्रेस करने के लिए अपने खर्चे जबरदस्ती मत बढ़ाइए। और उससे भी बड़ा डिजास्टर पता क्या है, अगर आप मैरिज के लिए, हाउस रेनोवेशन के लिए, मोबाइल के लिए, लैपटॉप के लिए, हनीमून के लिए, कार के लिए लोन्स लेना शुरू कर देते हैं। नेवर टेक पर्सनल लोन फॉर लग्जरीज ऑफ लाइफ, रिमेंबर दिस, हमेशा आप गांठ बांध के रखिए, नेवर टेक पर्सनल लोन्स फॉर एनी काइंड ऑफ लग्जरीज। होता क्या है, आप किसी को इंप्रेस करने के लिए अपने बजट से बाहर जाते हैं और उसके बाद जब वो EMI ड्यू होती है, देन यू हैव टू टेक अनदर लोन, अनदर लोन, अनदर लोन, एंड देन इट बिकम्स अ लूप। एक और लोन होता है, प्लास्टिक का होता है, आपकी जेब में रहता है हमेशा, दैट इज कॉल्ड क्रेडिट कार्ड। इफ यू डोंट हैंडल इट वेल, वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट लोन इज अ क्रेडिट कार्ड लोन। यू शुड गेट अ क्रेडिट कार्ड ओनली व्हेन यू कैन हैंडल इट। और एक और चीज है जिसको लोग इन्वेस्टमेंट मानते हैं और जिसपे लोग बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, दैट इज बाइंग अ होम, अपना घर खरीदना। और अपना घर खरीदने के लिए लोग कितने कितने साल का लोन लेते हैं मालूम, 20 ईयर्स लोन, 25 ईयर्स लोन, 30 ईयर्स लोन। लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है और आप अपनी ज़िंदगी के अगले 20 साल, अगले 25 साल की आने वाली इनकम को आज इन्वेस्ट कर दे रहे हैं किसी एक चीज़ में जिस पे आपको लगता है शायद ये कमाल की इन्वेस्टमेंट होगी। तो इस वीडियो में मैं आपको घर के बारे में बहुत लंबा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको घर तभी खरीदना चाहिए जब आप अपने बाकी सारे बेसिक्स को कर चुके हों एंड यू हैव ह्यूज सरप्लस फंड्स इन योर अकाउंट। बिफोर दैट डोंट गेट टू इमोशनल अबाउट बाइंग ए हाउस फॉर योरसेल्फ। मनी मैनेजमेंट का पांचवा प्रिंसिपल, कीप इन्वेस्टमेंट एंड दोस्ती सेपरेट। अपनी दोस्ती को और इन्वेस्टमेंट को अलग अलग रखिएगा। आपके दोस्त ने एक नई इंश्योरेंस कंपनी ज्वाइन की और वो आपको बोलते हैं ये पॉलिसी खरीद लो,
और आप खरीदते हैं क्यों मालूम? क्योंकि आपके दोस्त को बुरा ना लग जाए। और इंश्योरेंस का प्रीमियम आपको कितने साल देना है? 10 साल देना है। और वो दोस्त 6 महीने में कंपनी बदल लेगा और अब आपके पास वो एक नई इंश्योरेंस पॉलिसी और एक नया कुछ प्रोजेक्ट लेके आ जाएगा। इसी तरह से आपके कुछ दोस्त होंगे, शायद उन्होंने प्रॉपर्टी बिजनेस शुरू किया, शायद कोई आपका दोस्त होगा जो स्टॉक ट्रेडिंग में चला जाएगा, राइट? तो दोस्ती को इन्वेस्टमेंट से अलग रखिए। बहुत मेहनत से पहले तो आप पैसा कमाते हैं, उसके बाद उससे भी ज़्यादा मेहनत करते हैं उसको सेव करने के लिए। तो जब आप इन्वेस्ट करें तो किसी दोस्त के कहने पे मत करिए, अपनी रिसर्च पे करिए। लोगों को बुरा लगेगा, वो ऐसा बोलेगा, वो वैसा बोलेगा, उनको आप बोलने दीजिए, इट्स योर हार्ड एंड मनी, इन्वेस्टमेंट इज सेपरेट एंड योर फ्रेंडशिप इज सेपरेट, कीप दिस टू थिंग्स सेपरेट। नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनकम मस्ट इंक्रीज ईयर ऑन ईयर। हर साल आपकी इनकम बढ़नी चाहिए, पिछले साल से इस साल आपकी इनकम ज्यादा होनी चाहिए। दो तरीके से बढ़ सकती है, आप जो भी काम करते हैं उसमें बेहतर होते चले जाइए, राइट? तो आपकी इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। आप जॉब करते हैं, ईमानदारी से अपनी जॉब करिए और कुछ चीज़ें सीखिए जो आपके काम में आपको प्रमोशन दिलाने में, आपकी इनकम बढ़ाने में मदद कर सकती हो, राइट? सो बिकम एक्सपर्ट इन योर फील्ड, दैट इज़ वन वे टू इंक्रीज योर इनकम। और कुछ लोग होते हैं जिनको साइड हसल अच्छी लगती है, राइट? सो यू कैन डू अ साइड हसल एंड आप सुबह से शाम तक अपनी जॉब करें, कोई और प्रोफेशन करें, एंड इवनिंग आवर्स में यू कैन डू समथिंग एल्स। बोथ आर गुड माई डियर फ्रेंड्स, बोथ आर गुड। हो सकता है आपको इंटरनेट पर रोज ये सुनने को मिले, देखने को मिले, साइड हसल इज एक्सेलेंट, साइड हसल इज एक्सेलेंट, दिस एंड दैट। यू डिसाइड। व्हेन आई डिड माई जॉब आई नेवर हैड एनी साइड हसल फॉर फर्स्ट 4 years ऑफ माई करियर, बट आई डिड माई जॉब सो वेल दैट एवरी ईयर आई गॉट अ प्रमोशन। And then after 4 years of working, I decided I'll build a direct selling business. 3 महीने मैंने जॉब के साथ किया, after 3 months I quit my job, I took this business full time, and for many many years I didn't do anything else in life but only one thing, focus on direct selling business, and every month, every year my income grew like crazy, right? So आप देखिए आपको क्या जमता है। आप चाहें तो कुछ साइड हसल शुरू करें, आप चाहें तो अपने काम में जो भी आज आप करते हैं उसके अंदर और बेहतर बनते जाइए, एक्सपर्ट बनते चले जाइए, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड वे टू इंक्रीज योर इनकम। बट पॉइंट रिमेन्स द सेम, आपकी इनकम हर साल बढ़नी चाहिए, इस साल आपकी इनकम पिछले साल से बेहतर होनी चाहिए, राइट? यू नीड टू इंश्योर दैट यू डू समथिंग और द अदर टू मेक इट हैपन। एंड सातवां और लास्ट, ये मैंने तजुर्बे से सीखा है, डोंट पोस्टपोन एंजॉयिंग योर लाइफ Because your investment fund is not big enough. क्योंकि आपने सोचा था आपके पास इतने रुपए का इंटरेस्ट आना चाहिए, इतने आपके सिप में होने चाहिए, इतने के म्यूचुअल फंड होने चाहिए, इतने की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और अभी आपको दूर दूर तक वो दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जिंदगी में एंजॉय नहीं करेंगे। अपनी मंथली इनकम का आप 10-20-30-50% कितने परसेंट सेव करेंगे वो आप देखिए, बट एवरी मंथ कीप 5-10% ऑफ योर इनकम फॉर योर एंजॉयमेंट। शायद आप कोई लग्जरी आइटम खरीदना चाहते हैं जो आपकी फेवरेट है, या शायद आप किसी हॉलीडे पे जाना चाहते हैं, या शायद आप पार्टी के लिए जाना चाहते हैं, जो आप करना चाहें, एवरी मंथ कीप असाइड 5-10% ऑफ योर इनकम फॉर योर सेल्फ एंड डू वट एवर यू फील लाइक डूइंग, राइट? वो महंगा हो सस्ता उसकी परवाह मत करिएगा, क्योंकि वो आपको पसंद है और आप सुबह से शाम तक पूरा महीना मेहनत करते हैं फॉर दैट। सो कीप वन फंड फॉर इन्वेस्टमेंट एंड कीप वन फंड फॉर एन्जॉयमेंट एंड एंटरटेनमेंट ऑल्सो। सी आई हैव सीन वन थिंग इन लाइफ, मनी विल कम एंड गो बट टाइम विल ओनली गो, यू विल नेवर गेट टाइम बैक। पैसे आपने कम कमा लिए ना, 1 साल 2 साल के बाद शायद कुछ बेहतर हो सकता है, कुछ मिराकुलस और कुछ कमाल का हो सकता है। आपने पिछले 5 साल में टोटल जो कमाया, शायद अगले 6 साल में उस 1 साल में आप 5 साल के बराबर कमा लेंगे। बट अगर वो 5 साल आपकी ज़िंदगी से चले गए तो वो 6 साल में आपको वो 5 साल वापस नहीं मिलेंगे। सो अर्न मनी, सेव मनी, इन्वेस्ट मनी, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, हसल, डू व्हाटएवर, बट डोंट पोस्टपोन लिविंग योर लाइफ बिकॉज ऑफ योर फाइनेंशियल goals, right? So these are my 7 principles that I have personally followed, and they have not only given me big money but also they have given me a lot of joy and a lot of good quality of life. तो मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ, जिस भी ताकत को आप मानते हैं वो ताकत आपको इस काबिल बनाए कि आप बहुत सारे पैसे कमाएं, बहुत सारी खुशियाँ कमाएं, जिंदगी में खुश रहें, बढ़ते रहें, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स करें, एंड यू हैव अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। आई हैव वन ड्रीम, आई वांट टू सी यू एट द टॉप। कीप शाइनिंग, कीप स्पार्कलिंग। अपने लिए तो सब कर लेते हैं, कुछ ऐसा करना शुरू करो जिससे आप बाकी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनो, लोगों को इंस्पायर करो, उनकी ज़िंदगी में कुछ कंट्रीब्यूट करो। धीरे धीरे पैसा कमाने के साथ साथ दुआएं कमाना भी शुरू करो। कीप राइजिंग, लव यू गाइस, एंड स्टे ट्यून्ड टू आवर यूट्यूब चैनल। ये आपकी 24/7 फ्री ऑनलाइन लर्निंग अकेडमी है, और बहुत मेहनत से मैं और मेरी पूरी टीम रिसर्च कर आपके लिए कमाल के 2 नए वीडियोस हर हफ्ते यूट्यूब चैनल दीपक बजाज पे डालते हैं। सो शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम पीपल एंड कीप कमिंग बैक टू अस, योर लव इज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अस। कीप शाइनिंग, बाय बाय, टेक केयर।